हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम ऑसिलेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे एसएचएम क्या होती है। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, और साथ ही साथ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे बच्चों। तो तैयार हो जाइए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो ऑसिलेशन में क्या पढ़ेंगे, SHM शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब जाके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा लेक्चर है और बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो डालिए हेडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं भी हेडिंग डाल देता हूं यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों आप हार्मोनिक मोशन समझते हैं क्या होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक लग गया ये बात कुछ समझ में कम आ रही होगी, है ना। आप लोग को लग रहा होगा सर कि हार्मोनिक मोशन तो हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट लेक्चर में आपने इसको पढ़ा होगा। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले का जो लेक्चर है वो जरूर देख ले एक बार, कहीं से भी आप खुद से पढ़ कर आइए तो इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार सर हार्मोनिक मोशन क्या होता है, है ना। तो हार्मोनिक मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है एक फिक्स पाथ पर और एक फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो और बार बार रिपीट करता हो तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप हार्मोनिक मोशन पढ़कर बैठे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल का मीन पोजिशन है ओ, कोई पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट करता है मोशन करना, कहां से, यहां से, लेकिन यहां पे आके वो स्टेबल हो जाता है। तो यहां पार्टिकल वो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे चला, यहां पॉइंट ए से चला, ऐसे जा रहा है, ओ से होता हुआ गया इस साइड पॉइंट बी तक, फिर यहां से रिटर्न लिया इधर गया, ओ से होता हुआ इधर जा रहा, फिर ए तक गया, और ए के बाद फिर ये वापस होने लगा इस साइड में, फिर ये पहले इधर गया और फिर ये इधर आया, है ना, फिर ये गया इधर और फिर इधर आया। तो ये इस मीन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, या इसे इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इसके टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है ना, या इसी को हम बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं, बैक एंड फोर्थ, मोशन करे, क्या करे, मोशन, बट कंडीशन, यहां पे मोशन ठीक है, आप जानते हो कि जो क्लॉक होता है उसका पेंडुलम वो भी तो ऐसे ऐसे मूव करता है, है ना, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे मोशन करता है, क्या उसके मोशन को हम लोग एसएचएम कहेंगे, जरूरी नहीं है। क्यों, एसएचएम तब कहेंगे हम जब उसका मोशन, उसका जो मोशन है हार्मोनिक मोशन वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, किस लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में। तो यहां कंडीशन यही है कि जो ये पार्टिकल है ए से बी तक जाता है, फिर बी से वापस ओ से होते हुए ए तक आता है, तो ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो तो कर रहा है, बट कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में करता है। तो बट इन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर ये मोशन आपको दिखाई पड़ रहा हो तो आप उसे डेफिनेटली एसएचएम कह सकते हो, उसे क्या कह सकते हो,
एस एच एम वही होता है एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में करें, किसमें करें, एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम थोड़ा सा और दिखा सकते हैं कैसे, जैसे मान लो ये मेन पोजिशन था और यहां से पहले किधर गया, ये इस साइड गया, ठीक है। अब यहां से होते हुए ये इसी लाइन से इसी पास जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में, इसको थोड़ा अलग से दिखा रहे हैं ऐसे। अब देखो इसी लाइन से, इसी लाइन से होते हुए जा रहा है ऐसे, एक साइड गया है ना, यहां से गया इस साइड, फिर आया इस साइड, और फिर यहां से घूम करके ये वापस कहां आ गया, मेन पोजिशन पे, कहां आ गया, मेन पोजिशन पे, ध्यान देना कहां पे आ गया, मेन पोजिशन पे। तो यहां से चला इस साइड गया और फिर इधर गया इस साइड, फिर आया मेन पोजिशन पे, वापस कहां आ गया, ये अपने मेन पोजिशन पे ही वापस आ गया फाइनली, यहां पे मेन पोजिशन ऊपर। तो इसे हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, या इसी को वन वाइब्रेशन भी कहते हैं, वन वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफिनीशन होता है बच्चों, यही है, कोई भी पार्टिकल मूव करे मेन पोजिशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बट इन स्ट्रेट लाइन अंडर द रेस्टोरिंग फोर्स, अंडर द, एक यहां पे कॉन्सेप्ट और आता है अंडर द रेस्टोरिंग फोर्स। ये क्यों आता है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स अपना काम कर रहा है यहां पे, अंडर द रेस्टोरिंग 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 सॉरी यहां पे हम इस हाँ रेस्टोरिंग फोर्स, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल। तो हम कहेंगे क्या, ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स लगता है, ये फोर्स से मान लो कि ये पार्टिकल यहां चला, यहां तक गया, मैक्सिमम करते करते यहां गया, इसके बाद ये रुक गया, और रुकने बाद ये वापस आने लगता है, क्या करता है, ये रिटर्न आता है। तो जब कोई भी पार्टिकल रिटर्न आएगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिसे हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स मानकर चलते हैं। जब रेस्टोरिंग फोर्स हम यहां पे एफ मान लेंगे, तो इस फोर्स से क्या होगा, ये इधर जाएगा। अपन ये फोर्स क्या करता है, इस पार्टिकल को हमेशा मेन पोजीशन पर, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये फोर्स नेट, जो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है, वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है। उसके बाद यहाँ से उसी फोर्स का जो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बच्चों, उसको फिर ये अपोजिट डायरेक्शन चलने लगता है। जब अपोजिट चलेगा इस साइड में, तो फिर से रेस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और अब ये रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ भी रेस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है। फिर इस फोर्स से क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, फाइनली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, और यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब कि मेन पोजिशन से लेकर एक साइड तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वैरी करता है टाइम के साथ, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आता है, और जब वेलोसिटी में चेंजेस आता है तो एक एक्सीलरेशन भी क्रिएट होता है। मतलब जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन फोर्स के करेस्पॉन्डिंग में एक्सीलरेशन जरूर रहेगा, ये डेफिनेटली यहां पर रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा ये फोर्स एग्जर्ट करता है ना, उस पार्टिकल पे। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब रेस्टोरिंग का काम क्या है, रेस्टोर करना, क्या करना, रेस्टोर करना बच्चों। और इस जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड स्मॉल ए। ये क्या है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, इसका नाम रख देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप करके ये बातें अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट बनाइए बच्चों।
बच्चों आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आप समझिए कि वन ऑसिलेशन क्या होता है, कि यहाँ से गया एक साइड, फिर घूमते हुए आज दूसरी साइड गया, अपोजिट साइड, फिर वापस मेन पोजिशन पे आ गया, तो ये वन ऑसिलेशन है या वन वाइब्रेशन है, ये भी आप समझ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन आती है, इसी से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन यहाँ पे पुटअप होता है। डिफिनीशन कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कोई पूछे आपसे हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, कोई पूछे आपसे हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ूंगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये आप समझ चुके हैं कि वन ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब इस ऑसिलेशन को हम लोग साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, या रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कि वन कंप्लीट साइकिल या वन रिवॉल्यूशन या वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, एसएचएम में सब ये यूज होता है ना बच्चों। तो कोई भी पार्टिकल, अ पार्टिकल एक्सक्यूड्स, अ पार्टिकल एक्सक्यूड्स एसएचएम, जो पार्टिकल एसएचएम एक्सक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ये आप लोग इसको भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अ पार्टिकल एक्सक्यूट एसएचएम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। अब जैसे मान लो कि ये है मेन पोजीशन ओ, यहां से कोई पार्टिकल गया एक साइड इधर गया पॉइंट ए पे, फिर यहां से घूमते हुए गया एक पॉइंट पर बी साइड आइदर साइड, और फिर वापस यहां से आए कहां पे, ओ पे, है ना, मतलब यहां से इसको मैं थोड़ा इधर दिखा रहा हूं अलग से, ऐसे गया, फिर यहां से घूम करके वापस इधर गया ऐसे, है ना, बी पर, फिर यहां से घूम करके वापस कहां आया, यहां पे मेन पोजीशन यहां पे आ गया ये। तो ये क्या है आपका, वन ऑसिलेशन है, क्या बोलेंगे इसे, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, मैं लिख दे रहा हूं वन वाइब्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं वन साइकिल भी कहते हैं, इसी को वन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, रिवॉल्यूशन, इतने नामों से आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अब साइकिल का यूज, रिवॉल्यूशन का यूज कहीं और होगा, लेकिन यहां पर मेनली हम लोग ऑसिलेशन और वाइब्रेशन यूज करते हैं, लेकिन है सब एक ही चीज। और जो ध्यान रखना, जो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो टाइम लगा पूरा वन ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन टाइम लगा मतलब टाइम टेकन, जो टाइम टेकन होगा यहां पर बच्चों, वो टाइम पीरियड कहलाता है, क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, मैं लिख दे रहा हूं ये क्या है, टाइम पीरियड, और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। और अगर एक सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशन कर ले रहा है, मान लो कि इस तरह से ये एक ऑसिलेशन हुआ, इस तरह से 10 ऑसिलेशन बन रहा है एक सेकेंड में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड, वन सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो होता है न्यू लिखते हैं, क्या, ग्रीक लेटर न्यू, न्यू पढ़ते हैं ऐसे इसी चीज को, और या तो हम फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ दिखाते हैं, ठीक है, तो न्यू से या एफ से डिनोट करते हैं, और टी इक्वल टू होता है वन बाई एफ लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी में, या टी इक्वल टू वन बाई न्यू कह लीजिए, है ना, या न्यू इक्वल टू वन बाई टी कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ से इसकी जो एसआई यूनिट बनती है ऑफ न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है ऑफ फ्रीक्वेंसी, वन अपन टाइम यानी वन बाई सेकेंड इनवर्स होती है, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, क्या कहते हैं, हर्ट्ज, एच जेड, ठीक है, हर्ट्ज कहते हैं, या इसी को साइकिल पर सेकेंड कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी सीपीएस, सीपीएस शॉर्ट में साइकिल पर सेकेंड, इससे हम लोग डिनोट करते हैं, क्लियर।
तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है कि वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन या वन साइकिल वन रिवोल्यूशन क्या होता है। मतलब यहां से एक साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर घूमते हुए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फिर घूम के जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाए, तो वन रिवोल्यूशन वन ऑसिलेशन वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। और इसमें जो टाइम लगता है टाइम पीरियड कहते हैं, और वन सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कर ले, वन सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कर ले उसे हम लोग कहेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे न्यू से डिनोट करेंगे बच्चों, और या एफ स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी इसमें जानेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर लीजिए, तो आपने नोट कर लिया तो हम बच्चों इसे इरेज करते हैं, और इरेज करके बांटते हैं कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा है ना, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई टी। तो याद रखना यहां पर भी अगर वन कंप्लीट साइकिल हो रहा है तो उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल टी होता है ना। और आपको ये भी पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हार्मोनिक वर्ड जुड़ा हुआ है, हार्मोनिक मतलब अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई कैपिटल टी होता है। कितना होता है, टू पाई बाई कैपिटल टी। और भी जस्ट आपने टी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, वन बाई एफ या वन बाई न्यू फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो टू पाई बाई वन बाई न्यू, न्यू जाएगा ऊपर, टू पाई न्यू, ये आपका होता है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहां से इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा। सब याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। अब कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स, एस सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। जो भी पार्टिकल यहां पे मोशन इन्वॉल्व कर रहा है वो क्या है, पीरियोडिक है। उसका मतलब हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक पीरियोडिक मोशन ही है, ये कह रही चीज। और दूसरी पॉइंट जो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रही जा रही है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, दूसरा फीचर ये है। तीसरा फीचर ये है कि जो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीमेंट का या इंक्रीजिंग का हमेशा अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, उसको रोकेगा, ये इधर जा रहे हैं तो उसको जाने नहीं देगा, है खींचता, हमेशा मेन पोजिशन की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ये है रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत। और इसमें जो भी हार्मोनिक फंक्शन यूज होते हैं वो सिंगल साइन के होंगे या तो सिंगल कॉस के होंगे, सिंगल साइन, साइन के फॉर्म में या सिंगल कॉस के फॉर्म में होगा, यही है इसका रूल, यही है फीचर। और इसी फीचर को यूज करते हुए हम बढ़ेंगे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले यहां तक ये भी पॉइंट नोट करिए, तो आपने नोट कर लिया इसे, तो हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, ओके। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। एग्जांपल्स मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे कोई स्प्रिंग हो, क्या हो, कोई स्प्रिंग हो, स्प्रिंग से कोई अगर हम एक एम मास का ब्लॉक यहां फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, और इससे हम, ये एग्जांपल्स है याद रखना, एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम है ना, ये एग्जांपल्स है, आप नोट कर सकते हो इसे। आप इसे क्या करें, थोड़ा सा फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करें इधर और छोड़ दें तो ये क्या करता है, ऐसे जूम जूम ऊपर नीचे क्या करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। मतलब इस मेन पोजीशन के अप एंड डाउन, मतलब तो हम ये टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ ही हम समझेंगे इसको, ये मूव करेगा ऐसे ऐसे। कोई यूट्यूब का अगर आपका शेप में ट्यूब है, मतलब यू शेप ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे मान लो लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, यहां तक भरा हुआ है मान लो, ठीक है।
अगर थोड़ा सा इसको ये मूव कराए, हल्का सा ये वाइब्रेट करे, इस तरह से मूव करे, तो क्या होगा, लिक्विड कभी इधर नीचे जाएगा और ये लिक्विड ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब इस लिक्विड का जो मोशन है बच्चों, ये भी क्या है, SHM है, ये भी क्या है, SHM। दूसरा एग्जांपल, तीसरा कोई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है ना, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, इतना हल्का सा, और डिस्प्लेस करके जो है यहाँ पे छोड़ दो, ये भी क्या करेगा, इधर जाएगा इस तरह से, ऐसे फिर आएगा इस तरह से, आएगा जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो सिंपल पेंडुलम का भी क्या है, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर छोड़ दे तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है ना SHM का, कि पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो हो लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में हो, अंडर द रेस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है मोशन, इसका भी स्ट्रेट लाइन में, इसका भी स्ट्रेट लाइन में, इसका भी स्ट्रेट लाइन में। कोई मान लो ये हमारा वाटर है ना, कोई क्यूब ब्लॉक है लकड़ी का, वुड का, हमने इसको दबा के छोड़े थे, ये फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट करते हुए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका भी मोशन क्या है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम नॉर्थ एक मैग्नेट को हम फ्री सस्पेंड कर दे तो वो भी ऑसिलेट करने लगता है, कैसे भी थोड़ा सा भी छोड़ के उसको डिस्प्लेस करके थोड़ा सा छोड़ दें, किसको, मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो अपने वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना वो भी स्टार्ट कर देगा मैग्नेट भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे ना। ये सब कॉन्सेप्ट क्लास 12 में सीखेंगे हम लोग। तो ये सब क्या है, SHM है, क्लियर, ये एग्जांपल्स हो गए। फीचर्स में बात करते हैं बच्चों, हम इरेज करते हैं इसको, फीचर्स क्या क्या है वो जानिए। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों ना, तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। तो फीचर्स ऑफ SHM, पहला जो फीचर्स है, मोशन ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक है। दूसरा क्या है, जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स F मान के चलें, क्या माने, F, डिस्प्लेसमेंट को हम X कह दें, तो F प्रोपोर्शनल टू X है ना, इक्वल करेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, इक्वल, तो इसे कांस्टेंट लेंगे हम, माइनस के एक्स। आप सोच रहे हैं माइनस क्यों लगा दी, क्योंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होता है, इसका हमेशा अपोज करें, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर रहेगा, ये एफ और एक्स, और यहां पे जो के है ना, ये है फोर्स कांस्टेंट, क्या है, फोर्स कांस्टेंट, क्या है, फोर्स कांस्टेंट। यहां से इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहे तो के इक्वल टू एफ बाई एक्स से निकालेंगे, न्यूटन पर मीटर, इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू आएगी एफ बाई एक्स, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो ये सेकंड फीचर है, क्लियर है बच्चों। अगर यहीं पे हम कोई बॉडी का मास, अगर हम उस पार्टिकल का मास एम मान लें और एक्सेलरेशन ए है, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर दे बच्चों तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों फोर्स वही है, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमने लिखा यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, और ये भी रेस्टोरिंग फोर्स है ना, ये फीचर है, दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इन टू एक्स। तो यहां भी क्या होता है, एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के है, मतलब SHM में एक्सलरेशन भी होगा तो एक्सलरेशन भी डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के, क्लियर भाई। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो
तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। निगेटिव साइन हमेशा अपोज कर दिखाता है, ये शो करता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है और कुछ नहीं। आप अपनी लैंग्वेज को नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। अभी थर्ड फीचर लिखेंगे और फोर्थ फीचर लिखेंगे, तो यहां तक नोट करिए वीडियो स्टॉप करके। तो बच्चों ये नोट कर लिया, थर्ड फीचर क्या है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज का क्या करता है, अपोज करता है। तो थर्ड हम लोग नोट करेंगे इसका फीचर, है ना। इतनी बातें आप दिमाग में बैठा के रखिए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, या एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स, या एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इन टू एक्स। ठीक है, यह है एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो। तो याद रखना बच्चों, जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका मोशन पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब अपने मोशन को बार बार रिपीट करना, है ना। जैसे यहां से कीड़ा कोई चढ़ा, आया, गया, आया, बार बार आ रहा है, जा रहा है, रिपीट कर रहा है, वो क्या है आपका, वो क्या है, सोचो जरा सा, वो पीरियोडिक है। तो थर्ड नंबर क्या रहेगा इसमें फीचर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग आर ई एस टी ओ, रेस्टोरिंग स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूं, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिस द इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, जो एसएचएम एक्सक्यूट करता, जो एसएचएम कर रहा हो उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर आप भी करोगे तो आप भी क्या हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो। अगर आप भी एसएचएम प्रोड्यूस कर रहे हैं या एसएचएम में कर रहे हैं काम, मोशन कर रहे हैं, है ना, तो आप भी क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट का रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके इंक्रीजेस का, या जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो इंक्रीजिंग हो रहा है उसका अपोज करेगा। इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट अपोजेस द इंक्रीज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। फोर्थ नंबर क्या है, एसएचएम कैन बी ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल, कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड as in the form of single harmonic function, मतलब single harmonic function like single sign or cosine, इसके फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट होता है या एक्सप्रेस्ड होता है या एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ऑलवेज होगा, यह कह दीजिए। मतलब इस फॉर्म में रहा तो सिंगल साइन होगा या तो सिंगल कोसाइन होगा, यही है फीचर इंपॉर्टेंट इसका। तो एसएचएम जहां भी एसएचएम होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो या तो साइन के फॉर्म में होगी या तो कॉस के फॉर्म में होगी। मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपने उसका इक्वेशन लिख दिया, समझ गया कि हाँ साइन के फॉर्म में लिखा है, क्या है, दैट इज एसएचएम, कॉस के फॉर्म में लिखा है, दैट इज एसएचएम। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है, बहुत ही बारीकी समझो, गहराई सोचो, डीपली। अगर सिंगल साइन के फॉर्म में है, सिंगल कॉस के फॉर्म में है, डेफिनेटली क्या होगा, वो एसएचएम की इक्वेशन होगी, क्लियर। तो आप साइन और कॉस को देख करके आप उसको बता सकती हो क्या, तो किसका इक्वेशन है, एसएचएम की। एग्जांपल अगर हम ले लें यहां पे, अगर मैंने लिखा कोई इक्वेशन में लिख दिया, सपोज करो कि एग्जांपल में लिखा कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज
एन इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM, क्या ये SHM का इक्वेशन है? अगर मैं तो लिख दिया हूं कि हाँ ये SHM का है, आप क्या लग रहा है क्या ये SHM की इक्वेशन है या नहीं? सोचो ये है या नहीं, क्योंकि ये सर है तो ये इसे सिंगल कॉस है ना, सिर्फ कॉस के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यार SHM की इक्वेशन है, ये SHM की इक्वेशन है। तो इसमें जो ए है ना, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, क्या है ये एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है एक्स, एट एनी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट है, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी पर, वो टी है क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। ये क्या है पूरा, ये इस पूरे एंगल को, ये जो पूरा एंगल है आपका ये दिखाई पड़ा, ये पूरा एंगल किसका, कॉस का आर्गुमेंट है ना, एंगल मतलब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आपका है फेज, क्या है फेज, या इसी को टोटल फेज कहेंगे, टोटल फेज, टोटल फेज, ठीक है। इस एंगल को ही हम लोग फेज कहते हैं। तो समझ में आया फेज का मतलब क्या है, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूं। और जो फाइ नॉट है बच्चों, ये फाइ नॉट है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, फेज का मतलब कोई एंगल से, ठीक है, किसी एंगल से। इनिशियल फेज मतलब कि जब हमने पार्टिकल का मोशन इसका काउंट करना स्टार्ट नहीं किया, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया था, उस कंडीशन पे इसका जो फेज रहेगा, फेज जो पोजीशन होगी बताती है, वो फेज क्या होगी, इनिशियल फेज। आगे हम इसको आपको डिटेल में समझाएंगे फेजर डायग्राम से, अभी समझ लीजिए ये क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, और ये क्या है पूरा फेज। और अगर हम टी इक्वल टू जीरो कह लें, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ जीरो करें तो फाइ इक्वल टू क्या होगा, फाइ नॉट, मतलब इनिशियल फेज क्या होगा, सिर्फ जो एंगल बना है ये हमारा फाइ नॉट, वही हमारा इनिशियल फेज हो जाएगा एज टी इक्वल टू जीरो पर। समझ में आया इतनी बात? तो यही है आपका क्या SHM की इक्वेशन, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। आगे हम इसको सर्कुलर मोशन से SHM को समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और फेजर डायग्राम आपको सीखना होगा, फेजर डायग्राम क्या होता है, उसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अभी आपकी इतना समझिए, फेज मतलब एक एंगल होता है, और जो प्लस के आगे इधर लिखा होता है या माइनस अगर लगा है तो ये क्या है आपका इनिशियल फेज है। प्लस और माइनस का मतलब हम समझाएंगे जब सर्कुलर मोशन बढ़ाएंगे इसी में, सर्कुलर मोशन, जी हाँ बच्चों। तो सर्कुलर मोशन में SHM कैसे प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। अभी तो आप SHM की इक्वेशन कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, जो एंगल है वो फेज है, टोटल एंगल या टोटल फेज, ठीक है, और जो प्लस या माइनस करके आगे लिखा होता है वो इनिशियल होता है, दैट्स इट। यहाँ एम्पलीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी पर, क्लियर, इतनी बात क्लियर ना। तो पहला काम करिए वीडियो स्टॉप करिए, नोट कीजिए, और अब हम बात करेंगे इसी SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देख लिया कहीं पे आपने तो समझ जाएगी वो उसका मोशन क्या है, SHM है, याद रखना। तो नोट कर लिया बच्चों आपने, तो हम इसको करेंगे इरिज, और याद रखना बच्चों इनिशियल फेज को एक नाम से और बुलाते हैं, उसका नाम है इपोच, EPOCH, इपोच का मतलब इनिशियल फेज, आप लोग नोट करके ले सकते हैं, इनिशियल फेज को इपोच भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके बता सकते हो कि हाँ ये इक्वेशन किसका है, SHM का है, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। आइए प्रूफ करते हैं, समझते हैं इसको। तो इसको मैं इरेज करता हूं, डाली हेडिंग बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इक्वेशन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या होगा SHM इक्वेशन। और इक्वेशन यही नहीं बच्चों, क्लास 12 में भी आपको काम देगा, है ना, क्लास 12 की फिजिक्स में SHM का इक्वेशन यूज होता है, जहां भी देखिए उस टाइप का इक्वेशन, समझ जाइए उसका मोशन क्या है, SHM है। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग, डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू होता है एम ए, है ना, और ई इक्वल टू आप लिख सकते हैं अगर एट एनी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। बोलो ये होता एक्सेलरेशन, नहीं समझोगे। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो, डी एक्स अपॉन डी टी पढ़े हो, यस सर पढ़े हैं। अच्छा एक्सेलरेशन क्या पढ़े हो, डी वी अपॉन डी एक्स, यस सर पढ़े हैं। इस वेलोसिटी की वैल्यू जरा यहां रखो तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वी के प्लेस पे ये रखेंगे डी एक्स बाई डी टी, और इसका मतलब ये होता है बच्चों डायरेक्टली, है ना, इसका मतलब क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, डी डी एक्स ऑफ डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है यहां पे, डबल डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये है एक्सलरेशन का टर्म। इसी मतलब ये क्या है, एक तरह से एक्सलरेशन है, अगर आपने ये देख रहे हैं ये कहीं पर तो वो एक्सलरेशन लिखा हुआ है, तो मतलब एक्सलरेशन को डिफरेंशिएशन फॉर्म में रखना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, यहाँ मोशन हो रहा है ना, तो एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यूज होगा सभी चीजें। तो F इज इक्वल टू ये आएगा एम डी टू एक्स बाई डी टी टू, और आपने F इज इक्वल टू जस्ट पढ़ा माइनस के एक्स होता है, है ना, आपस में दोनों को इक्वल कर दीजिए तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के एक्स, है ना, क्या करेंगे M से डिवाइड कर देते हैं, है ना, किससे M से डिवाइड करते हैं, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के बाई एम आ जाएगा ये आपका इनटू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो ये कांस्टेंट है बच्चों ना, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, याद रखना के बाई एम इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, इस फार्मूले को आप लोग याद रखना, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। के बाई एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों यही है इक्वेशन डिफरेंशियल, मतलब यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, याद रहेगा बच्चों। और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, याद रखना डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो चीज यहां पे है वही से ओमेगा स्क्वायर के साथ में है, यहां टाइम है या ओमेगा है बराबर जीरो है। तो इस टाइप अगर कहीं भी इक्वेशन दिखाई पड़ेगा दैट पार्टिकल एक्सीड एस एच एम, वह पार्टिकल एस एच एम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस इक्वेशन को देख कर बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां तक भी वीडियो स्टॉप करके नोट करिए, और अब ये कैसे एस एम बता रहा है तो उसका जो सोल्यूशन होना चाहिए, इसका सोल्यूशन वो या तो साइन के फॉर्म में आना चाहिए या तो कॉस के फॉर्म में आना चाहिए। अगर इसका सोल्यूशन साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में आ रहा है तो हम कहेंगे ये किसका इक्वेशन है, डिफरेंशियल, इससे आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो पहले इतनी बातें नोट करिए तो मैं बताऊंगा कैसे ये एस एच एम का इक्वेशन है और कैसे आप समझ पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, इसी टाइप का होना चाहिए। नोट कर लिया बच्चों, तो हम इरेज कर रहे हैं और ये प्रूफ करेंगे, है ना, ये प्रूफ करेंगे हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, इसी टाइप का मिलना चाहिए, है ना, इसे प्रूफ करेंगे। कैसा प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। आपने भी जस्ट एक एग्जांपल लिया, किसी भी पार्टिकल का जो एस एच एम की इक्वेशन होती है वो हार्मोनिक फंक्शन, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, और वो इक्वेशन हमें लेट कर लेते हैं यहाँ पे
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये आप क्या है, डिफरेंशियल तो नहीं कह सकते, एसएचएम की इक्वेशन है। लेट इट इज अ, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये किसका है, एसएचएम का इक्वेशन नंबर वन, इसको बना देते हैं। और हमें डिफरेंशियल चाहिए तो इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएट। कितनी बार करना है, दो बार, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हमारा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी है ना, डी डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है ना। इसे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बाहर लेंगे। अब ये जितना फंक्शन है क्या करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करेंगे, डी कॉस ओमेगा टी प्लस। अब इतनी मैथमेटिक्स आप लोग को आती होगी, अगर बायो के स्टूडेंट देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीक समझ सकते हैं अपने आप को, लेकिन डिफरेंशिएशन करना चाहिए आपको। तो यहाँ डी ओमेगा टी है, हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इतना ही मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी टी। ठीक है, अगर ये चीज़ आप काट दीजिए तो वही चीज़ मिलेगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन में आएगा, तो क्या आएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है ना, इनटू ये डी डी टी ऑफ, अलग अलग करेंगे तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, वो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, हमारा ये आ जाता है क्या, इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी आ जाता है। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसका यूज करेंगे सेकेंड का जो मैंने इरेज किया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर होगा और डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मिलेगा, ये है ना। इसमें भी हम ट्रिक लगाएंगे, ए ओमेगा डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस साइड में इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो पहले से ही है ना, इस साइड में इरेज कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा है ना, यहां पे डी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी टी, ये काटोगे तो वही चीज कट जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ ओमेगा बचेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाद में कर देते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आ जाता है, डी टी टू। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ये वाला फंक्शन, ये पूरा यहां, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर हमने लेट किया है, तो यहां रखेंगे एक्स, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको ट्रांसफर करा दीजिए इधर, तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो डिफरेंशिएशन इक्वेशन प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये हमने आपको बताया था ना, देखिए जरा ध्यान से, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट एक सोल्यूशन है इसका, इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो वीडियो स्टॉप करके भी आप लोग नोट करिए और हम इरेज करेंगे, कर लिया, ओके इरेज करते हैं, तो इरेज करते हैं बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं क्या, यहां पे एसएचएम में तो बिल्कुल बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां पे एसएचएम का, और ये सीखने के बाद ही हम सर्कुलर मोशन में एसएचएम कैसे पढ़ेंगे वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन, क्या है,
इज अ सॉल्यूशन किसका, ऑफ डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, क्या है ये सॉल्यूशन है। और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या लिखा है, के बाई एम, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा के प्लेस रखेंगे टू पाई बाई कैपिटल टी का टाइम पीरियड लेते हैं तो अंडर रूट के बाई एम, या के स्प्रिंग फैक्टर फोर्स कॉन्स्टेंट, और ये है मास ऑफ ब्लॉक या इनर्शियल मास या इनर्शियल फैक्टर कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो टी बाई टू पाई अंडर रूट एम बाई के रेसिप्रोकल लेंगे तो टी इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, मतलब इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, ये है मास अपॉन कॉन्स्टेंट। तो टाइम पीरियड जब भी निकालना है बच्चों एसएचएम की तो फार्मूला यही यूज करेंगे, कौन सा, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के। कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरह से है ना, इसका मास एम है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना किसका, इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालेंगे हमेशा इसी फार्मूले से, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, यही है टाइम पीरियड इन एसएचएम, मतलब जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यूज करेंगे। ये एम क्या है, इनर्शियल फैक्टर, और ये है स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट कह लीजिए, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका एक सोल्यूशन है। तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखें, क्लास 12 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे x है, x है तो इसकी इक्वेशन जो आएगी सोल्यूशन वो x के फॉर्म में आएगी, ना कि y के फॉर्म में आएगी, गलत है y अगर कोई कहीं लिखा हो तो। अगर यहाँ y है, यहाँ y है तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ q है, यहाँ q है तो यहाँ भी q ही लिखेंगे, याद रखना। तो यही है एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट फीचर्स, और इसके न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम एसएचएम का और पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में एसएचएम क्या होता है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको भी डीप में जाके समझना है, तब जाके उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल, और फिर सीखेंगे फेजर डायग्राम के बारे में और कुछ ग्राफ के बारे में। तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑसिलेशन का थर्ड लेक्चर में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़िए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।